इतना मेकअप तरह तरह के बैग और क्या क्या कर रही हो हाँ, 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 क्या हाल है शकीला ठीक हो मैं ठीक हूँ भाभी आप सुनाओ इतनी अच्छी अच्छी चीजें इतना सारा सवाल कहाँ से आया है बहुत ही अच्छा है हाँ हाँ थैंक यू कोई काम था अरे भाभी आप तो बड़ा अच्छा मेकअप कर लेती हो मैं अब आपसे नाराज हूँ मैंने कहीं पे भी जाना हूँ मैं आपसे कहती हूँ मेरा मेकअप कर दो आप करके ही नहीं देती <laughs> मैंने कौन सा कोई प्रोफेशनल मेकअप किया है बस ऐसे ही थोड़ा सा बेस बनाया है और लिपस्टिक लगाई है अरे भाभी इतना सारा सामान पड़ा है इतने आशा डॉ पैलेट पड़े हैं इतने लेंस पड़े हैं इतने लिपस्टिक्स पड़ी हैं इतने ब्रशेस पड़े हैं ओए होए होए इतनी नेल पेंट्स पड़ी है और आप कहती हो कि आपको मेकअप नहीं करना आता छुपी रुस्तम तो निकली वैसे आप बड़ी तेज हो भाभी नहीं नहीं बस मैं दावत पे जा रही थी इसलिए मैं रेडी हो गई खैर से आई थी को काम था आह, नहीं नहीं काम तो कोई भी नहीं था मैं यहाँ से जा रही थी मैंने सोचा कि भाभी का कमरा बंद है तो चलो देख लूँ क्या कर रही है लेके जा रही हूँ नहीं नहीं आप अपने भाई से मंगवाना ना प्लीज रख दो किसी का लिपस्टिक नहीं यूज करते नहीं मुझे कुछ नहीं होता बस आप मेरी भाभी हो प्यारी भाभी हो बस मैं लेके जा रही हूँ अस्सलाम वालेकुम जी मैं हूँ मैं मुना मुस्लिमा आगे जी फिर से आपकी बहन आपके लिए कुछ धमाकेदार सा लेकर आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये हसीन सा मेकअप लुक जो कि बहुत ही ग्लोई और ग्लैम दिखने वाला है जिसका डेमो आप वीडियो के स्टार्ट में देख चुके हैं मैं नंद और भाभी की कन्वर्सेशन की बात कर रही हूँ आप इस मेकअप लुक को कहीं पर भी करके जा सकते हैं अच्छा आपने कहीं पार्टी पर जाना है किसी फेस्टिवल पर जाना है कोई ओकेजन आ रहा है किसी का शादी ब्याह है कोई दावत है वहाँ पर जाना है और अगर आपकी नई नई शादी हुई है और दावतों का सिलसिला जारी और सारी है और आप समझती है की घर पर तैयार होना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि अगर घर तैयार होंगे तो इतना सारा मेकअप हमें करना नहीं आता तो चलो पॉलर का का कर लेते हैं लेकिन का सच में ना ना तो आजकल इतने भरे हुए है ना, इतना रश है वहां पर कि आपको बैठे ही रहना पड़ता है और आप किसी भी फंक्शन पर जाने के लिए लेट हो सकते हैं सो so, इस लुक को देखिए और आपको बहुत सारे यूनिक आइडियाज मिलेंगे इस लुक को क्रिएट करने के लिए क्योंकि ये बहुत सिंपल है बहुत सादा है बहुत थोड़े से टाइम में हो जाने वाला है लेकिन लगेगा बहुत खूबसूरत अभी हम सूट की बात कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर ड्रेस वेयर किया हुआ है नेवी ब्लू कलर में क्योंकि सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों में डार्क कलर ही पहने जाते हैं जैसे कि मूंगिया हो गया नेवी ब्लू हो गया ब्लैक हो गया येलो हो गया या फिर पर्पल वगैरह ये सूट मैंने किस पेज से लिया है वो पेज मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अगर आप लोगों ने लेना हो तो इनके पेज को जाकर विजिट किया जा सकता है ये सर्दी का स्टाफ इनके पेज पर अवेलेबल है और बहुत अच्छी वरायटी भी है सो आप लोग बाय कर सकते हैं अगर करना हो तो अच्छा यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मजे की टेक्निक शेयर करने वाली हूँ कुछ मेरी बहनें ये हमेशा शिकवा करती हुई नजर आती है कि जब हम पॉलर से मेकअप करवाते हैं या फिर जब हम घर पे मेकअप करते हैं तो हमारा फेस जो है और हमारी जो एज है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होने लगती है ज्यादा एज के हम लोग दिखने लगते हैं तो इस वीडियो में जो टेक्निक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ना उसको फॉलो करेंगे ना तो आपकी एज पहले से भी कम दिखेगी आपका फेस अपलिफ्ट आप दिखेगा जिसकी वजह से आपकी एज भी कम दिखेगी और आप बहुत ही इनोसेंट से फील होंगे तो बस फिर देर किस बात की जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसी वीडियो में मैंने ये भी बता दिया है कि दुपट्टे के साथ लुक कैसा दिखता है अगर मांग टिक्का लगा लेंगे तो उसके साथ लुक कैसा दिखता है और बालों को किस तरह से कर सकते हैं और दुपट्टे के बगैर हमारा लुक किस तरह से निकल करा सो so, वीडियो को लाइक करना तो बनता है बहुत मेहनत से बनाई है भाई वीडियो शुरू हुए दो मिनट हो चुके हैं और मैं अभी हेलो हाई कर रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो में अभी इंटरव्यू हूँ लेंस मैं ऑलरेडी यहाँ पर लगाकर बैठी हूँ क्योंकि ये लेंस बहुत कम्फर्ट है और इनके साथ आपकी आंखों से आंसू आंसू नहीं आते ये जो शेड है ये है लाइट ब्लू और ये बहुत प्यारा शेड है ठीक है जी अभी हम अपने लिप्स को हाइड्रेट करेंगे सबसे पहले एक लिप बाम मैंने यहाँ पर उठाई है आपके पास कोई भी लिप बाम हो आप उठाइए और उसके साथ फटाफट से अपने होठों को मॉइस्चराइज कर लीजिए क्योंकि जब तक हमारा मेकअप कम्प्लीट होगा हमारे होट बहुत ही ज्यादा ड्राई और चैप फील होने लगेंगे हमारा दूसरा स्टेप है जी कंसील करना अब आप सोच रहे होंगे सबसे पहले कंसील करने लगे हैं तो यहाँ पर मेरे पास है जी कंसीलर किट और इफ्लेम वालों की कुछ शेड इसके इस तरह से है तीन शेड के अंदर ये ये मिल जाती है और ये जो है और जो ना क्रीमी फॉर्म में है इसको मैं एक ब्रश की हेल्प से पिक करूंगी और कान की एक साइड से लेकर पूरे फेस के ऊपर कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी यानी दूसरे कान तक थोड़े भूतिया लगेंगे जरूर लेकिन ये ट्रिक्स बड़ी कमाल की आगे चल के देखेगा कि फाइनल लुक किस तरह का आता है हमारा दूसरा स्टेप है जी हम उसमें लेंगे कोई भी क्रीमी ब्लश ऑन और उसको भी बिल्कुल उसी तरह से कंसीलर के ऊपर ऊपर अप्लाई कर लेंगे जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं अब जी हम अगेन कंसीलर की हेल्प से लाइन ड्रॉ करेंगे माउथ के अराउंड कुछ इस तरह से फोरहेड पर और चिक्स पर तीसरे नंबर पर बारी आती है जी बीबी -बी क्रीम कोई भी फाउंडेशन जो भी आप यूज करना चाहे मैं यहाँ पर बीबी -बी क्रीम यूज कर रही हूँ इतनी सी क्वांटिटी हम लोग लेंगे और सेम वही वाला ब्रश उठा लेंगे लेकिन हम लोगों ने इसे टिश्यू के साथ अच्छे से साफ कर लिया है ताकि इसके अंदर कोई भी रेड कलर या फिर कंसीलर का शेड हमारे फेस के ऊपर अप्लाई ना हो जहाँ जहाँ पर मैं यहाँ अप्लाई करके दिखा रही हूँ उधर उधर ही आप लोगों ने सेम इन एरिया ज पर अपना फाउंडेशन या फिर बीबी क्रीम अप्लाई कर लेनी है सेम इसी तरीके के साथ और इस लुक को क्रिएट करते वक्त मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ की यहाँ पर जो भी बीबी क्रीम या जो भी फाउंडेशन हम लोग यूज करेंगे वो लिक्विड या फिर क्रीमी फॉर्म में होना चाहिए वरना वो ब्लेंड करते वक्त काफी मुश्किल हो सकती है सब कुछ यहाँ पर अप्लाई हो चुका है अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ टीवी पाउडर वालों का सेटिंग स्प्रे आपके पास जो भी सेटिंग स्प्रे हो जिसके साथ आप अपना मेकअप को फिक्स कर सकते हो उसे उठाए पूरे फेस के ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रे कर लीजिए बिल्कुल हल्के हाथ के साथ उसको आपने जी दस से पंद्रह सेकेंड के लिए अपने फेस के ऊपर रखना है उसके बाद ये आपने वेट ब्यूटी ब्लेंडर उठाना है और पूरे मटेरियल को ब्लेंड करना शुरू कर देना है एक तरफ से और बहुत अच्छे तरीके के साथ हम इसे सुकून के साथ बैठ के ब्लेंड कर लेंगे अच्छा ब्लेंड करते वक्त आपको ये फील हो रहा होगा कि कि हो सकता है कि इसको ब्लेंड करने में बहुत ज्यादा टाइम दरकार हो सकता है तो मैं आप लोगों को पर बताती चुटकियों में ये मेकअप हो जाएगा चुटकियों में बिल्कुल भी देर नहीं लगने वाली क्योंकि जब भी कोई चीज शूट की जाती है या वीडियो बनाई जाती है तो वो डबल टाइम ले लेती है इसलिए क्योंकि हम लोगों ने बातों के साथ भी आप लोगों को चीजों को क्लियर करके बताना होता है और अच्छे तरीके से डेमो देने की भी कोशिश की जा रही होती है लेकिन जब आप अकेले बैठकर खुद प्रैक्टिस करेंगे ना एक बार आपने प्रैक्टिस करनी है और दूसरी बार आपने इसको यूज कर लेना है तो फिर आप देखेगा की आठ से बारह मिनट के अंदर अंदर आपका ये वाला मेकअप डन हो जाएगा है ना चुटकियों वाला मेकअप जब आप फेस पर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर ले तो उस वक्त आप अपने नेक को और अपने कानों को भी बिल्कुल ना भूलिएगा और यही वाला ब्यूटी ब्लेंडर आप अपनी गर्दन पर और कानों पर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इस ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर काफी सारा प्रोडक्ट होगा जो कि आपके नेक के ऊपर भी आ जाएगा और आपके कानों के ऊपर भी आ जाएगा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं है अच्छा मैं यहाँ पर अपने होठों को टिश्यू के साथ साफ कर रही थी क्योंकि होंठो पर कंसीलर और बी भी क्रीम वगैरह लग चुकी थी जो कि बहुत ही खराब दिख रहे थे इसलिए मैं साफ करने लगी फटाफट से और अब जी मैंने यहाँ पर एक फोम का टुकड़ा लेना है जिसे स्पंच भी बोला जा सकता है और ये इसी फेस पाउडर के अंदर से फोम का टुकड़ा निकलता है सभी को पता होगा और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है अब जी थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर अपने फेस को थोड़ा और शेप में लाना है और चिक बोन को हाईलाइट करना है ताकि वो प्रोमिनेंट दिखे और वो बहुत खूबसूरत भी लगती है फिर इसी के साथ साथ हम लोग डबल चिन को भी थोड़ा सा छुपाने की कोशिश करेंगे जो कि मेरी थोड़ी थोड़ी से नजर आने लगी है ना अगर आपकी भी डबल चिन है तो आप इस तरह से फेस पाउडर के साथ भी उसे छुपाने की कोशिश कर सकते हो अगर अंदर की तरफ आप करेंगे जैसे कि मैं वीडियो में कर रही हूँ साथ के साथ आंखों के नीचे भी फेस पाउडर लगा लें और आंखों के ऊपर भी ताकि हमें किसी किस्म की भी क्रीजिंग ना हो और हमारी जो बेस है वो फटे नहीं और लॉन्ग लास्टिंग रहे दूसरी बात ये भी है कि जब हम आई मेकअप करने लगते हैं तो कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारी आंखों के ऊपर या आंखों के नीचे लग जाता है बाय चांस या फिर फॉल आउट हो जाता है जिसकी वजह से हमारा जो मेकअप है ना वहाँ से हमें जब हम उसे ब्रश की हेल्प से रिमूव करते हैं ना तो साथ के साथ हमारी नीचे वाली बेस भी जो है ना वो हट जाती है वहाँ से और बहुत बुरा दिखता है अब बारी आती है जी आईब्रोज को फिल करने की और एक एंगल ब्रश के साथ मैं अच्छे तरीके से आईब्रोज को सेट कर लूंगी यहाँ पर आईब्रोज होती हैं डन और बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ अब बारी आती है एक खूबसूरत से आई शेड पैलेट की जिसके अंदर से मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा डार्क पिंक शेड पिक करूंगी ब्रश पर लगे हुए एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को डस्ट ऑफ किया अब मैं उठाऊंगी जी आईलैश कर्लर और अब बारी आती है बिगनर्स की जिनको मेकअप का मेरी तरह नहीं पता तो वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं आईलैश कर्लर कर्लर को हम आईलेड के ऊपर रख लेंगे जहाँ पर हमारी आंख ओपन होती है और उसी ब्रश के साथ जिसके साथ हम लोगों ने प्रोडक्ट पिक किया था एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें सही से पता चल सके की हमारे पास कितना मार्जिन है और हम कितनी जगह पर अपना आई अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये गलती करते हुए देखा है कि वो आई शेडो जब अप्लाई करते हैं ना या तो फिर वो बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ जाता है या फिर वो फिर नीचे रह जाता है जिसकी वजह से आई मेकअप का जो टर्न आउट है ना वो बहुत गंदा दिखता है भाई ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहां पर एक रफली सी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ये देख लें जी हमारा कलर आंख के ऊपर आ चुका है और अब हमें पता है कि कहाँ कहाँ पर हम लोगों ने इस ब्रश के साथ इस कलर को ब्लेंड करना है थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको तकरीबन तकर से पैंतालीस सेकंड लग सकते हैं एक आंख की ब्लेंडिंग को तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लेना है जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। आप लोगों यहां ये लोगों को पर पर यह भी कि हम ने ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना जो प्रोडक्ट पहली दफा मैंने ब्रश के साथ पिक किया था ना वही पूरी की पूरी आई के ऊपर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूंगी और मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा सारे कलर्स यूज नहीं कर रही ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन बरकरार ना हो जाए <laughs> बरकरार नहीं बाकी ना रहे ये देख लें जी एक बड़ा ही सेटल सा लुक हमारा आ गया है मैंने यहाँ पर ऑफ कैमरा दूसरी आंख पर भी शेड अप्लाई कर लिया है और अब बारी आती है आई अप्लाई करने की और इसके बारे में कल मैंने स्टोरी लगाई थी तो बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि आई लगाने की कोई टेक्निक बता दें ताकि हम भी लगा सके एक आंख पे लग जाता है ठीक से दूसरी आंख पर सही से नहीं लगता तो इसको लगाने के लिए मैं यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक सी टिप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इसे लाजमी फॉलो कीजिएगा अब जी वॉटर लाइन से लेकर आई का जो एंड है वहां तक इसको कुछ इस तरह से तिरछा हम लोग रख लेंगे और मैंने जी यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी है जो की बहुत बहुत अच्छे से परफेक्टली अप्लाई हो चुका है आप लोगों के सामने ही किया है और बाकी अब आगे देख लीजिए कि किस तरह से इसको हम लोगों ने आपस में जोड़ देना है अब जी हम इसे आपस में मिक्स कर लेंगे और जो बाकी थोड़ी बहुत कमी बेची है उसको भी ठीक कर लेंगे ताकि कोई कमी बाकी ना रहे अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि किसी किस्म की कोई कमी बाकी नहीं है और हमारा आई लाइनर बिल्कुल परफेक्टली अप्लाई हो चुका है सो so, अभी इसे छेड़ने की जरूरत नहीं ऑफ कैमरा हम दूसरे पर भी अप्लाई कर लेंगे ले जी दूसरी आंख पर भी आई लाइनर अप्लाई हो चुका है अब जी हम एक ब्रश के साथ थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं नीटनेस के लिए और एक ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे ताकि मजीद नीटनेस आ सके अब हम जी एक आई शेडो किट के अंदर से फिंगर की हेल्प से एक सेमी ग्लिटरी सा शेड पिक करेंगे और उसे सेट के ऊपर हल्के हल्के हाथ के साथ अप्लाई कर देंगे अगर तो आप अपनी आई को मैट लुक में ही रखना चाहते हैं तो फिर किसी किस्म का ग्लिटर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर नहीं रखना चाहते थोड़ा सा शो शार दिखाना चाहते हैं तो फिर हल्का सा ग्लिटर अप्लाई कर सकते हैं मैंने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर यूज नहीं किया बिल्कुल लाइट सी फिंगर के साथ प्रोडक्ट उठाई थी और उसे फिंगर के साथ ही अप्लाई कर दिया है ठीक है जी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं और बड़ा सेट सा लुक आ रहा है अब बारी आती है जी मस्कारे की लेकिन मैं यहाँ पर फेक आईलेश अप्लाई नहीं करने वाली अगर आप भी स्किप करना चाहते हैं और अपनी आई को नेचुरल ही ही बड़ा दिखाना चाहते हैं तो मैं यहां पर एक कोट कोट अप्लाई अप्लाई करूंगी कंसीलर का, कंसीलर का ब्रश के साथ ही हल्का सा कोट अप्लाई कर अपने अगर आपके पास कंसीलर ब्रश नहीं है या आपको ऐसा लगता है की उसको बाद में कवर अप करना मुश्किल हो जाएगा तो आप खाली पाउडर भी लेकर अप्लाई कर सकते हो यानी कि जो फेस पाउडर होता है उसे ले लीजिए किसी भी ब्रश के ऊपर और अपनी लैसेज के ऊपर उसको हल्का हल्का सा कोट कर दीजिए और फिर देखिए जब हम मस्कारा अप्लाई करेंगे ना तो हम मारी का का वॉल्यूम ट्रिपल हो जाएगा बहुत मजे दिखेगा नेचुरल ही कि हम लोगों ने फेक लगाई हुई है जबकि लगाई नहीं होगी मैंने यहाँ दोनों आंखों पर कंसीलर अच्छे से अप्लाई कर लिया जैसे कि आपको वीडियो में नजर भी आ रहा होगा व्हाइट आई लैसेस लग रही है अब और अगर आप कंसीलर अप्लाई करें तो उसे तीस सेकंड तक के लिए स्टे दें अब जी मैं यहाँ पर मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ सो ये मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी की दिस इज नाइस प्रोडक्ट ये अच्छे तरीके से मैं कोट कर लूंगी अपर एंड लोअर लैसेस पे यहाँ पर जी मेरी लेशेस का वॉल्यूम बहुत अच्छे से इंक्रीज हो चुका है बहुत अच्छा दिख रहा है जैसे कि आपको वीडियो में शायद समझ आ रही हो लेकिन ओरिजिनल तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है सो so, इस तरह से आप लोग भी कोट कर सकते हैं जो कि बहुत मजे का हैक है अब जी हम फोकोलेयर ब्रांड का एक छुटकुसा पैलेट उठाएंगे जिसके अंदर हमें कंसीलर भी मिल जाता है हाईलाइटर भी मिल जाता है और साथ के साथ ब्लश ऑन भी मिल जाता है मैंने यहाँ पर हाईलाइटर उठाया है और थोड़ी सी अपने फेस की बत्ती जलाऊंगी और हल्के हाथ के साथ यहाँ पर अप्लाई कर लूंगी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बहुत ईजिली अप्लाई हो जाता है लॉन्ग लास्टिंग रहता है और साथ के साथ पिगमेंट भी इसकी बहुत अच्छी है पूरे फेस के हाईलाइटेड एरियाज को मैंने हाईलाइट कर लिया और ये सभी को पता होगा अगर समझ नहीं आ रही तो वीडियो को थोड़ा देख लीजिए ध्यान से आपको सारे एरियाज का पता चल जाएगा अब बारी आती है है जी हमारा लास्ट स्टेप लिपस्टिक लिपस्टिक की लिप्स्टिक के लिए मैंने पर अपने होंठों को आउटलाइन दी है ब्लैक पेंसिल के साथ बिल्कुल हल्के हाथ के साथ आप लोगों ने आउटलाइन बना लेनी है और इसके अंदर मैं मैट लिपस्टिक अप्लाई करूंगी टीवी पदर वालों की जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग है वाटर है और काफी देर तक स्टे करती है अगर आप चाहते हैं कि किसी बर्तन पर किसी ग्लास पर या किसी कपड़े पर या किसी के गाल पर ट्रांसफर ना हो तो आप इस टिश्यू के साथ जो है वो बाद में आगे चल के देख लीजिएगा किस तरह से लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं और ये किसी चीज के ऊपर भी ट्रांसफर नहीं होगी यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी गाइड करती चलूँगी अगर लिपस्टिक का कलर काफी ज्यादा डार्क हो डार्क शेड हो और वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लग जाए आपके होठो के नीचे या आस पास तो आप एक ब्रश पे थोड़ा सा कंसीलर लेकर हल्का सा प्रोडक्ट लेकर उसे अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हो अपने होठो के आस पास ताकि मजीद नीटनेस आ जाए और आपके होठ बहुत ज्यादा हाईलाइट हो आपके पूरे फेस के ऊपर प्रोमिनेंट हो जाए अब जी हम लोग टिश्यू को होठों में दबाकर दो से तीन दफा प्रेस कर लेंगे और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना मजे से शेड अप्लाई हो चुका है और मेरे हाथ पर मेरी उंगलियों पर कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं हो रहा यहाँ पर मेकअप हो चुका है जी हमारा कम्प्लीट अब हम पहन लेते हैं मैचिंग की थोड़ी सी ज्वेलरी ताकि शशके शुशके दिखा दे मैं यहाँ पर एक कान में एयर पहन चुकी हूँ दूसरे में पहन रही हूँ आप लोगों के सामने और ये बिल्कुल मैचिंग में जा रहे हैं अगर आपने किसी शादी पर जाना है ये बहुत ज्यादा कोई दावत शावत है शादी की फोरी बात जैसे नेक्स्ट डे या दो दिन के अंदर अंदर हफ्ते के अंदर अंदर कोई दावत वगैरह हो तो आप मांग मांगटिका लगा सकते हैं वरना जरूरी नहीं है शादी पे जरूरी है लगा लें साथ में इसके साथ का कोई ब्रेसलेट पहन लें

ऑफ कैमरा कर्ल कर लिया है दरमियान में से मांग निकाल दी है सीधी जो कि आजकल काफी ट्रेंड में है इसके बाद मैंने यहाँ पर बालों को ट्विस्ट करके पिन अप कर दिया है और थोड़े से बाल आगे से निकाल दिए हैं जो कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कैसा लुक आ रहा है कॉमेंट्स में आकर जरूर बताइएगा मुझे सो so, ये है जी हमारा फाइनल लुक आई होप ये वीडियो आप सब लोगों के लिए यूजफुल रही होगी अगर आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा हो कि आपके फेस के ऊपर रेडनेस ज्यादा शो हो रही है जो हम लोगों ने ब्लश लगाया था वो ज्यादा हाईलाइट हो रहा है या ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है तो उसकी वजह से आप जो है वो शेड जो है वो थोड़ा कम लगा सकते हैं या थोड़ी जगह पर लगा सकते हैं सिर्फ चिक्स पे लगा सकते हैं ना के ऊपर से गुजारने की या फिर पूरे एक कान से लेकर दूसरे कान तक लेकर जाने की जरूरत नहीं है इसी सूट के साथ लीजिए <laughs> कुछ थोड़ी बहुत मॉडलिंग जो मुझे आती नहीं। इस बारे में मैं <laughs> मतलब मुझे नहीं आती सीधी बात है, सीधी साफ, बात है मैं सीधी साधी सी लड़की हूँ बहुत ज्यादा आर्टिश टैट मतलब मॉडर्न नहीं हूँ आप लोगों ने अभी तक देखा होगा की बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मॉडर्न नहीं हूँ और बनने की कोई जरूरत भी नहीं है जो हूँ जैसी हूँ आप लोगों के सामने बस आपकी बहन हूँ और आपको अपनी बहने समझती हूँ आई कि ये वीडियो आप लोगों के लिए सभी के लिए यूजफुल रही होगी अगर ऐसा हो अगर कोई भी एक ट्रिक या कोई भी हैक या कोई छोटी सी बात आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है ना नीचे प्यार भरा कॉमेंट भी छोड़ दीजिएगा और चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं जिस तरह की और भी बहुत सारी नई और यूनिक वीडियोज में नई आइडियाज के साथ अल्लाह हाफिज